हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई, और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का, कि इनके एक सांसद, इनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं, मान्यवर अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों के घर में घुस के बलात्कार किए जाएंगे। आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है? आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है? इस तरह का बयान देंगे आप लोग? संजय सिंह, श्री संजय सिंह, धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति संवेदनशील विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का, मानवता का कत्ल हुआ है दिल्ली में मान्यवर, और ये एक दिन में नहीं हुआ मान्यवर, चुनाव के पहले आग सुलगाई गई और चुनाव के बाद आग लगाई गई। ये सब कुछ एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित दंगा दिल्ली के अंदर कराया गया है, यह मेरा सीधा आरोप है। और मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, यह मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इनके एक सांसद, इनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं, मान्यवर अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों के घर में घुस के बलात्कार किए जाएंगे। आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है? इस तरह का बयान देंगे आप लोग? शर्मानी चाहिए इस सरकार को, ऐसे बयान देते हैं आप लोग? आप इस देश के लोगों को भड़काते हैं। यहाँ पे ट्रंप की सरकार है, यहाँ हसीना शेख की सरकार है, किसकी सरकार है यहाँ पे? रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो ठीक नहीं है। इस तरह के बयान दिए गए इनके द्वारा। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश, दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में जलते रहे, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई, और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री? ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दंगे इन लोगों ने कराए, कल दूसरे सदन में मैंने इनको सुना, कह रहे हैं दंगे में भारतीय मारे गए। गृह मंत्री जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहा चाहता हूं, ठीक नहीं है, उसको रिकॉर्ड में रखा नहीं जाएगा। भारतीय मारे गए तो उन भारतीयों से मिलने, उनके परिवार से मिलने 25 दिन आप मिलने क्यों नहीं गए? आप इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं मिलने गया? क्यों नहीं मिलने गया उन भारतीयों से? उनको मुआवजा दीजिए, उनके लिए मुआवजा दीजिए। SIT बनाइए, सुप्रीम कोर्ट की SIT बनाइए। कपिल मिश्रा, इनका एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का नेता मान्यवर, वो कहता है हम निपट लेंगे, हम बर्बाद कर देंगे दिल्ली को, और जो जज FIR का आर्डर देता है उस जज का आप ट्रांसफर कर देते हैं। जुडिशरी खतरे में है। आपने जज का ट्रांसफर कर दिया, कहा जाएगा न्याय के लिए आदमी? कहा जाएगा? जज अगर जज के लिए ऑर्डर करता है, जज अगर FIR के लिए ऑर्डर करता है, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है मान्यवर। ये सब कुछ हुआ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ये सब कुछ हुआ। और गृह मंत्री जी अपने विषय पर बात करते हुए, मंत्री जी आपसे लिखित रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ पे कर्फ्यू लगवाइए, दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे आर्मी भेजिए, दंगे हो रहे हैं। आपकी सरकार खामोश बैठी रही, आप चुपचाप बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? इसलिए बैठे रहे कि आपके लोग इन दंगों में शामिल थे। वो 300 लोग कौन थे जो उत्तर प्रदेश से आए? आपने कहा उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ? मान्यवर, ऐसे समय में भी
मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ऐसे समय में भी माननीय मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए वो सिख इंदरजीत सिंह जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाई, वो प्रेमकांत जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाने के लिए 70% अपने शरीर को झुलसा दिया, वो मुसलमान जिन्होंने मंदिरों को बचाने का काम किया, उनकी इंसानियत को समझिए, उनके भाईचारे को समझिए, उनकी एकता को समझिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। आप लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम। अभी हमारा एक मिनट समय है सर, एक मिनट समय है सर। मैं माननीय बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अब रिकॉर्ड बने जाएगा सर। प्रकाश जावड़ेकर,